हम इनकी करते हैं प्लेटिंग, और ये आप कभी भी बना के खा सकते हैं। घर में जो सामान आपके रहता है, ये सामान तो आपके पास होता ही है। अब हमारी ये डिश तैयार हो गई है, अब हम इसको दही के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से एक स्वीट डिश। इसके लिए मैंने एक कटोरी आटा ले लिया है और इसी के नाप से मैंने आधा कटोरी चीनी ले लेंगे, और चीनी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अब हम पानी डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जिस तरीके से हम लोग पकौड़ी बनाते हैं बेसन की, उसी तरीके से इसको भी बना लेंगे। इसका भी घोल तैयार करेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा पानी डालेंगे, देखिए मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो रहा है हमारा। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इससे हमारा ये अच्छी तरीके से घोल तैयार हो जाएगा। इसमें हमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम टेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो। देखिए इस तरीके से हमारा बन गया है। अब इसको ढक देते हैं। चलिए अब हम अपना बैटर देख लेते हैं कैसा हुआ है हमारा बैटर। ये देखिए हमारा बैटर बहुत ही अच्छा बन गया है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी इलायची पाउडर, और ये साथ में सौंफ का पाउडर है, इसको भी डाल देते हैं। या सौंफ आपके पास हो तो उसको कूट के डाल सकते हैं। थोड़ी सी ये चिरौंजी डाल देंगे, नारियल का बुरादा डाल देते हैं। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। सूखा नारियल है, इसको आप कद्दूकस कर लीजिए। इसको हम हाथ से ही डालेंगे। और ये देखिए एक कटोरी में पानी ले लेते हैं, और इसको थोड़ा सा हाथ हम गीला कर लेंगे। और बस इसको इस तरीके से निकाल निकाल के बनाएंगे। देखिए मैंने ऑयल चेक कर लिया है, अभी थोड़ा सा और गर्म हो जाने देते हैं। देखिए अब हम इसको पलट देते हैं, और ये देखिए हमारे कितने अच्छे बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितने फूले फूले बने हैं, कोई सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसे हम सभी बना के रख लेंगे। इन्हें हम लोग गुलगुला कहते हैं, और ये हमारी बहुत ही पुरानी रेसिपी है। देखिए अब हमारे सभी गुलगुले बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इनकी करते हैं प्लेटिंग, और ये आप कभी भी बना के खा सकते हैं। घर में जो सामान आपके रहता है, ये सामान तो आपके पास होता ही है। अब हमारी ये डिश तैयार हो गई है, अब हम इसको दही के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है।